IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। चंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉडलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर हैवल्स पॉलीकैप ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स श्री नंदन होटल के पीछे। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने यूको बैंक के सीएसपी में हथियार के बल पर लूट की है। अपराधियों ने 70,000 नगद रुपए, एक लैपटॉप और 4 मोबाइल की लूट की है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना सिवान जिला के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना बाजार की है। बताया जा रहा है कि सीएसपी में सभी कर्मी ग्राहकों का काम कर रहे थे, तभी बाइक सवार नकाबपोश 3 अपराधी ग्राहक बनकर सीएसपी में घुस गए और हथियार का भय दिखाकर सीएसपी में रखे 70,000 नगद रुपए, एक लैपटॉप और 4 मोबाइल की लूट की। करीब 3,00,000 रुपए की लूट बताई जा रही है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बढ़हरिया थाना की पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने यूको बैंक के सीएसपी में हथियार के बल पर लूट की है। अपराधियों ने 70,000 नगद रुपए, एक लैपटॉप और 4 मोबाइल की लूट कर ली है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना सिवान जिला के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना बाजार की है। बताया जा रहा है कि सीएसपी में सभी कर्मी ग्राहकों का काम कर रहे थे, तभी बाइक सवार नकाबपोश 3 अपराधी ग्राहक बनकर सीएसपी में घुस गए और हथियार का भय दिखाकर सीएसपी में रखे 70,000 नगद रुपए, एक लैपटॉप और 4 मोबाइल की लूट कर ली। करीब 3,00,000 रुपए की लूट बताई जा रही है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में। दमा, फेफड़ा, कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बढ़हरिया थाना की पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। आपके दुकान में आज लूट हुई है, कितने की संख्या में थे और क्या क्या लूटे हैं? अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। 4 आदमी लूटे, 2 आदमी बाहर बाइक पे थे, एक अपाची से और एक स्प्लेंडर से। 3 बम, दोनों के पास भी पिस्तौल था और जो अंदर आए उन लोगों के पास पिस्तौल था और चाकू था, दोनों आदमी को। तो 3 मेरा स्टाफ काम करते हैं, मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा रहता है, काम की संख्या में आदमी हरदम ज्यादा रहते हैं, इसीलिए 3 स्टाफ काम करने वाले। एक हम भी रहते हैं, तो हम आज नहीं थे, लेकिन किसी ICU में कोई था पटना, तो वहाँ थे। अब सुबह से निकले थे तो अभी हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे ये लोग कॉल किए तो हम आए भागते भागते। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 मोबाइल लिया है लोग, 3 मोबाइल और 1 टैब, 4 को ले लिया लोग, जिनके मोबाइल का कीमत और कम करके भी जोड़ जाए, सबके पास स्मार्टफोन था तो कम से भी जोड़ा जाता है, 75,000 का, 17,000 का सिर्फ मोबाइल है। और दो सिस्टम जो कैश कैश कितना गया है? कैश 70,000 गया है। और कैश के बाद क्या क्या गया है? कैश के बाद ये एक 2 लैपटॉप जो काम कर था वो ले गया है लो, और एक वो डेस्कटॉप लेके गया है लो जो रखा था, और यहाँ रखा था। टोटल 4 लैपटॉप, मैंने 3 लैपटॉप और एक ये CPU और जो होता है के साथ में, मॉनिटर के साथ में। कितना का लगभग सामान गया? टोटल सामान का हमको तो लग रहा है कि 2.5-3 लाख का मेरा लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके चला गया, और मोबाइल 70-75। जो लोग आए थे अंदर, जो बदमाश आए थे, उनका चेहरा खुला हुआ था कि बंद था? नहीं, चेहरा सिर्फ चेहरा बंधा हुआ था, सिर्फ आँख दिख रहा था। जी, आँख दिख रहा था और हेलमेट लगाए थे, जो चाकू लिए थे वो, और एक खाली मुंह थे, और अंदर तक यहाँ तक आए थे हम लोग, मेरे पास पिस्तौल लगाए थे और चाकू लगाए थे। बोल रहे कैसे दो, ऐसे बोल रहे, हम लोग जो कैसे बसे हैं।
अच्छा दुकान में लूटने के समय तोड़ फोड़ भी किए ना? तोड़ किया है, ये सब तोड़ा है ना, ये सब तोड़ा है ना, आपके दुकान में लूट हुई है, कैसे लूट हुई है? सर हम लोग यहाँ पे 3 स्टाफ थे, ठीक है सर, 2 कस्टमर यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरा दुकान एक ये है, ठीक है, जो संजय सिंह मालिक है इनका, ठीक है, बगल में कॉस्मेटिक का दुकान है, हम उसमें थे, 3 स्टाफ इसमें थे, तो 3 गो आया सब, तीनों दो बंदूक लिया था, एक चाकू लिया था, जो बाहर था वो भी बंदूक लेकर उधर ताना हुआ था, ठीक है सर, अब वो आया और 70,000 था मेरा कैश, ठीक है, बांटने के लिए दिए थे इनको, जो आपातकालीन में आते हैं सर कि भाई आज बैंक बंद है दे दीजिए, किसी को तबियत खराब रहता है, किसी को कुछ रहता है, हम लोग हेल्प कर देते हैं सर, ठीक है, चार्ज भी नहीं लेते हैं। उसके बाद आया तो एक यहाँ लैपटॉप रखा था जो नया ही खरीदाया था, ये ले लिया, और डेस्कटॉप था वो, क्या नाम है उसका, उसका उसका जो ले गया सीपीयू था वो तोड़फाड़ के उसमें ले गया, 3 मोबाइल ले गया सर, एक टैब जो सैमसंग का बड़ा हुआ था, बड़ा था जो 30-35 हज़ार का लगभग था मेरा, तो वो ले गया है सर, और कैश ले गया है। फिर ले जाने के बाद बड़हरिया थाना आया, ठीक है सर, बड़हरिया थाना आते आते बोला कि तुम आज खोला क्यों है दुकान, पहले ये बताओ। तो हम लोग सर कभी पुलिस से पहले बात नहीं किए थे, आज फर्स्ट बार उनसे बात किया, थोड़ा हमको भी घबराहट हो गया कि ठीक है सर हम खोले हैं, लेकिन क्या दिक्कत है आपको, पहले ये बताइए ना, अच्छा तुम खोले क्यों हो आज ये बताओ। हम नोटिस दिया क्या फोन करने? हाँ वही तो, हम अपने रूम वाले को फोन किए, मनोज भैया को, बमनन भैया को, ये भी अभी अवेलेबल हो गए, तो खोले क्यों ऐसे, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोहा गेट लगवाओ, यहाँ ये करो, यहाँ वो करो। मैंने बड़हरिया पुलिस ने आपके साथ बस सलूकी किया सर? जी सर, सलूकी किया, मतलब जांच बोला कि लाइसेंस चाहिए, पहले आकर आप देखिए ना क्या थी, चोरी हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस को तो अपराधी को पूछना चाहिए किधर गया, क्या किया, कैसा कलर था, क्या अच्छा ऐसे चोरी जो आपकी दुकान में हुई है, इससे पुलिस के प्रति आपको क्या कैसा लग रहा है? सर बड़हरिया जो है ना, मेरे ख्याल से उतना सक्सेसफुल नहीं है सर, ठीक है सर, जामो थाना भी आया था, जामो थाना आराम से बैठा, बाबू क्या हुआ कैसे हुआ तुम क्लियर बताओ हमको, हम लोग बताया तुरंत वो कार्रवाई के लिए बेचारा उधर निकला, लेकिन बड़हरिया थाना जो था वो हम लोग के साथ ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग का हेल्प नहीं कुछ और कर रहा है सर। अच्छा आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अमित कुमार।